नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेबीज के बारे में। दोस्तों, अक्सर देखते हैं कि कोई भी जंगली जानवर कुत्ते किसी को जब बाइट कर लेता है, बाइट करने के बाद जब मरीज पूरी तरह रेबीज के ग्रस्त में आ जाता है, उसी समय में फ़ोन करते हैं या आप डॉक्टर पास ले जाते हैं या कोशिश करते हैं इलाज करने में, लेकिन उस समय में उनको इलाज करने का कोई दवाई नहीं। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके आसपास किसी भी मरीज को, इंसान को, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बाइट कर ले किसी भी जानवर, चाहे कुत्ते, चाहे लोमड़ी, चाहे चमगादड़, चाहे बंदर, किसी भी, तुरंत जो है आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पर जाके रेबीज का इंजेक्शन ले, कम से कम आपको 24 आवर्स के अंदर में, और उसके बाद आपको वहाँ पर 0, 3, 7 और 14 इस डे अंतराल आपको जो है इंजेक्शन वहाँ से दिया जाएगा रेबीज का, और ये लेना आपको आवश्यकता है। रेबीज एक्चुअली है क्या? किसी भी जानवर जिसमें रेबीज होता है वो जब आपको बाइट कर लेता है, उस समय में आपके खून में उसके लार जब संस्पर्श में आता है तो तुरंत आपको रेबीज हो जाता है। अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो ये रेबीज 19 साल का अंदर में कभी भी आपके उसके ग्रस्त में ले सकता है। और रेबीज जब हो जाता है, उस समय में जब फोबिया होने लगता है, उस समय मरीज को लाइट से, पंखा से, हर चीज़ से उसको डर लगता है। और ये रेबीज जो है आपको अपने ग्रस्त में ले लेता है, दिमाग के साथ साथ गले में भी इसका असर दिखाई पड़ता है। मरीज जो है उस समय में अंधेरे में रहना पसंद करता है, उसमें पंखा, किसी भी इंसान, किसी कहीं पर भी उसको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ उसको अंधेरे में अच्छा लगता है। उसके साथ साथ पानी पीने में भी डर लगता है, जब भी वो पानी पीने का कोशिश करता है उसके गले में जो है दर्द होता है, तकलीफ होता है, और पानी से भी वो डरने लगता है। इसीलिए जो है मरीज धीरे धीरे, दिमाग उसका संतुलन में नहीं रहता है, और वो जो है अंतिम में कुत्ते के जैसे भोंकता भी है, मुंह से, नाक से लार गिरता है, बहुत छटपटाता है, बहुत दर्दनाक उसके साथ होता है। दोस्तों, आपके आसपास में किसी को भी अगर डॉग या किसी भी जानवर बाइट कर ले, तुरंत जो आप ध्यान दें, तुरंत डॉक्टर को आप पास ले जाए और उनको इलाज कराए। और एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आपके घर के जो भी आप पालतू जानवर रखें, उसको अक्सर रेबीज का इंजेक्शन अपडेट देते रहे ताकि उसको रेबीज ना हो। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये रेबीज का इंजेक्शन आपके आसपास में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में, ये एक्सपी रेबीप्योर, बहुत सारा ऐसे रेबीज वैक्सीन मिल जाएगा और वहाँ पर फ्री में आपको इलाज हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कहीं भी दुकान में ले सकते, 300-350 लगता है। और अगर आपको इससे भी मदद चाहिए, आप हमें कॉल करें, जो आपके अकाउंट में हम लोग पैसा डाल देंगे, कोशिश करेंगे आसपास में कहीं भी है उसका हम लोग आपको व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। आपके पास अगर पैसा भी नहीं है वो भी हमारा द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप सभी को अनुरोध है, हमारा संस्था का उद्देश्य है सर्पदंश और किसी भी जानवर से जो भी बाइट के बाद जो असर होता है उस चीज़ को रोकना, उससे मृत्यु को रोकना, हमारा मूल उद्देश्य यही है। दोस्तों, आप सभी को अनुरोध है कि आपके आसपास में किसी भी ऐसा जानवर जैसे काट ले, तुरंत हमारा नंबर जो यूट्यूब में नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तुरंत उस नंबर पे कॉल करें 7209464269 में, मैं तुरंत आपको गाइडलाइन दूंगा आपको करना क्या है। उसके साथ साथ आपके आसपास जो जानवर है उस पर भी ध्यान दें, हो सकता है दूसरे को काट ले। कुत्ते को ध्यान दे कि वो उसमें बदलाव क्या हो रहा, उसमें जो उसका एटीट्यूड जो है चेंज क्या हो रहा, वो सुस्तीपन छा जाएगा, उसके बाद उसका मुंह से लार गिर गया, उसका जो बिहेवियर उसमें चेंज लग गया, तो आप सोच लीजिए उसको रेबीज हुआ है। और उसके साथ साथ दोस्तों, आप रेबीज कैसे पहचानेंगे उस मरीज में, वो भी हमको आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, पहले आप स्क्रीन पे जो वीडियो है, कितना दर्दनाक इसमें तकलीफ है, ताकि ये दिखाने का मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं, इसका मकसद है आप भी सतर्क हो जाए, आपको ज्ञान मिले, आपको जानकारी मिले, और जानकारी ही एकमात्र दवाई है, मेडिसिन है। एक बार दोस्तों देख लीजिए, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों कितना तकलीफ हो रहा है, और उसको गले में तकलीफ हो रहा, कुत्ते की जैसा भौंक रहा, और ये जो चीज़ है ये किसी का सा भी हो सकता है। दोस्तों, सभी आपके परिवार में सभी
आपके प्यारे हैं, माँ बाप भाई बहन, आपके परिवार पड़ोसी, किसी को भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों आप ध्यान दें, अगर आपका खुद का भी कोई नहीं है, दूसरे का है, तो उसको भी तुरंत समझाएं, किसी को बाइट कर ले तुरंत, आप जरूरत पड़े उनका पास पैसा नहीं तो हमें कॉल कर, नहीं तो अपना पॉकेट से 200-300 रुपये निकाल के उनको बचाए। दोस्तों प्लीज़ कम से कम समाज में कम से कम आप कुछ भी, दिन भर में बहुत सारा ऐसा आप खर्च कर देते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, लेकिन किसी गरीब को आप थोड़ा सा मदद कर देंगे, उनका इस तरह इस तकलीफ से नहीं गुजरेंगे, उनका जान बच सकता है। दोस्तों आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, हमारा चैनल को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, नए चैनल बापी द स्नैक बाइट हेल्पलाइन को भी बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारा 10 दिन में लाइव सब्सक्राइबर और मोनेटाइज भी पूरा हो गया है, आप सभी को इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह आप हेल्प करें हमें और आप सभी को, हमारा संस्था की ओर से हम लोग इसी तरह सर्वदंश और किसी भी जानवर से और किसी भी जानकारी हम लोग देते रहेंगे, ताकि आपको जानकारी साथ साथ आपको हेल्प मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सब खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।